नेक्स्ट चैप्टर है अपना वर्क मेजरमेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। वर्क मेजरमेंट बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी वर्कर से अपने पास क्या है कम वर्कर्स हो तो आप उनके ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि पर्टिकुलरली हर वर्कर अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे वर्कर्स हों, ठीक है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। तब आपको क्या करना पड़ता है, उनमें से वर्कर्स में से कौन सही से काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए, आपको बहुत सारे वर्कर्स हैं आपके पास, आप हर एक के ऊपर ध्यान नहीं रख सकते कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप क्या करोगे, उनको एक एम दोगे, टारगेट दोगे कि इतना काम एक नॉर्मल पर्सन कर पाता है तो आप भी करोगे इतना काम, अदरवाइज जो है उसको इंसेंटिव या कुछ ऐसी चीज आप उसको जो है आप कहेंगे कि ये काम हो जाना चाहिए, टारगेट देंगे उसको। तो वो जो एम है उसका, वो जो टारगेट है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा वर्क मेजरमेंट से। आप एक नॉर्मल व्यक्ति से वो काम करवा के देखेंगे, वो जो काम नॉर्मल तरीके से करेगा तो उसको अगर 24 आवर्स फॉर एक पर्टिकुलर वर्क लग रहे हैं तो अपने को पता है कि ये क्या बन गया, एक वर्क सैंपल बन गया आपका। वो वाला काम 24 आवर्स में बिना रुके बिना थके हो जाता है। तो अगर उसके अंदर अलाउंस डाल दें, थोड़ी सी रेस्ट डाल दें, थोड़ा सा वाटर ब्रेक डाल दें, तो हो सकता है 2 घंटे और लग जाए, 24 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर हो जाएगा वो, ठीक है। तो 26 आवर्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये क्या बन गया, एक टारगेट बन गया, एक एम बन गया। तो आप अपने बाकी के बंच ऑफ वर्कर्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं, उनको क्या कहोगे कि आपने ये काम 26 आवर्स में करके देना है मुझे, ठीक है। तो वो उनके लिए एक टारगेट होगा, वो उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है, जिसके कारण वो अच्छे से आपके लिए काम करेंगे। तो वर्क मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप क्या कर सके, वर्कर्स के ऊपर ध्यान रख सके, आप टारगेट बना सके, आप डेट्स बना सके। आपने कुछ डिलीवरी ली है कि हम आपके लिए ये चीज तैयार करके देंगे एक महीने में, 30 डेज ले लिया आपने, ठीक है, आपने ऐसे ही कह दिया 30 डेज। हो सकता है वर्कर से उतना काम ना हो पाए और उसके लिए 45 डेज लग जाए, या हो सकता है 15 डेज में कंप्लीट हो जाए आपकी डिलीवरी जो है पेंडिंग पड़ी रहे क्योंकि आपने उनको 30 डेज का टारगेट दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये किससे तय होएगा, जब आप वर्क मेजरमेंट करोगे कि हमारा एक आदमी इतना काम कर सकता है एक दिन में, तो जब आप 100 लोगों को काम देंगे तो वो इतने दिन में ये काम कर पाएंगे। तो वर्क मेजरमेंट से क्या है ये भी पता लग सकता है कि आपकी टारगेट डेट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको वर्क मेजरमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट इज द वर्क मेजरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक डिजाइन इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स Established for किस लिए बना है ये, किस लिए डिजाइन हुआ है, या डिजाइन टू एस्टैब्लिश द टेक्निक्स, ऐसा लिख सकते हैं एस्टैब्लिश फॉर वर्क मेजरमेंट जो है वर्क सैंपल करने के लिए टेक्निक डिजाइंड टू एस्टैब्लिश यूनिट टाइम, हर चीज के लिए टाइम को जो है कंपल्सरी कर देना कि इतना टाइम, द टाइम फॉर ए क्वालिफाइड वर्कर टू डू ए जॉब, जो उसको काम दिया गया उसको टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक जॉब, टू कैरी आउट a specific job, एक specific job, एक specific काम उसको दे दिया और वो कितनी देर में उसको job को वो complete कर पाएगा, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, उसको आप जो है उससे उसको work measurement कर लेंगे, इसको बोलते हैं work measurement, और इसी से आप उस worker का level देखेंगे कि उसकी efficiency कितनी है, ठीक है। उसके बाद इसको इससे आप दूसरे वर्कर्स को भी जो है उनको रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क मेजरमेंट क्या होता है, इट इज द टेक्निक डिजाइन टू एस्टैब्लिश द टाइम टेकन बाय ए क्वालिफाइड वर्कर फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक क्वालिफाइड वर्कर, मतलब जिससे वो काम आसानी से हो जाए उसके द्वारा वो काम करवाया जाएगा और उसके बाद तो देखा जाएगा कि दूसरे वर्कर उतना काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है, क्यों यूज होता है ये, आप क्यों यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके। तो सबसे पहले वर्क मेजरमेंट बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक टारगेट तय करना कि इतने टाइम में क्वालिफाइड वर्कर ने ये काम कर लिया, उससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि उससे आप सैंपल की तरह यूज कर सकते हैं ताकि दूसरे जो है वर्कर्स उसके जितना काम कर सकें, या फिर उससे ये भी किया जा सकता है कि कोई मेथड अच्छा नहीं है काम करने का, आपको पता चलेगा कि इस काम के ऊपर तो इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो आप मेथड्स को अल्टरनेट मेथड से जो है यूज कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग अल्टरनेट मेथड्स, और कौन सा मेथड इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि उनको जब आप ऐसे काम से काम किया तो जल्दी हो गया और इससे काम किया तो देर से हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैन पावर और रिक्वायरमेंट को अच्छे से, मैन पावर रिक्वायरमेंट की प्लानिंग की जा सकती है, प्लानिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब अगर आपने क्या किया, 25 वर्कर रखे, ठीक है, 25 वर्कर्स ने ये काम करना था, उनको लग रहा था आपको जब आपने वर्क मेजरमेंट किया उनको 10 दिन लग रहे थे वही काम करने के लिए, लेकिन आपने 8 दिन में डिलीवर करना है वो, तो आप क्या करोगे, 10 और वर्कर्स रख लोगे जिससे वो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्लानिंग करते हैं आप, जब आपको पता हो कि इतनी देर लग रही है काम करने में तो आप मैन पावर के लिए भी प्लान कर सकते हो, और ज्यादा मैन पावर चाहिए हमें, ठीक है, उसकी प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोल कर सकते हो आप सही से, ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल। अगर आपको पता हो कि ये वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको कंट्रोल करना आसान है, ठीक है, अगर आपको पता ना हो तो आप किसके ऊपर जो है स्ट्रिक्टनेस यूज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी डेट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती हैं कि जो वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा कुछ अलग मिलना चाहिए ताकि वो और ज्यादा अच्छा काम कर सके और दूसरों को भी मोटिवेशन मिले कि आगे से हमें भी ये चीज चाहिए तो हम भी अच्छा काम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इंसेंटिव स्कीम्स अच्छी होनी चाहिए, ये भी अपना ऑब्जेक्टिव है। इससे क्या होगा, जब आप वर्क मेजरमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए अपने को कुछ ना कुछ इंसेंटिव सोचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी डेट्स, मैंने आपको बताया कि डिलीवरी डेट्स फाइनल कर सकते हैं अपन कि इस तारीख तक काम हो जाएगा, डिलीवरी डेट्स ऑफ गुड्स या किसी भी चीज की डिलीवरी डेट्स जो है वो आप फाइनल कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन होगी, कॉस्ट कंट्रोल होगा कि कहाँ पे कॉस्ट जो है वो जाया जा रही है, ठीक है, काम के अंदर, और किस वर्कर को जो है जो आपके ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा तो ट्रेनिंग जो है उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि किसको ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, जो अच्छे से काम नहीं करेंगे उनको आप ट्रेन कर सकते हैं कि आप ये मेथड यूज करो इससे आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स है वर्क मेजरमेंट के, वर्क मेजरमेंट से आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो अपने प्लांट को, वर्क मेजरमेंट से आप इंसेंटिव स्कीम्स बना सकते हो, डिलीवरी डेट्स फाइनल कर सकते हो क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये काम इतनी देर में हो जाएगा, ठीक है, इतना छोटा सा काम है वो इतने देर में हो रहा है। अगर आप एक बोल्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बोल्ट इंडस्ट्री बना रहे हो, बोल्ट बना रहे हो आप इंडस्ट्री में, तो अगर एक बोल्ट पर लगने वाला टाइम जो है उसको आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो ऐसी जो है 50 मशीनें हैं आपके पास उसी इंडस्ट्री के अंदर जो सेम काम कर रही हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने एक क्वालिफाइड वर्कर रखा एक मशीन के ऊपर, उसने वो काम 10 मिनट के अंदर किया या 5 मिनट के अंदर किया, 5 मिनट के अंदर उसने एक बोल्ट बना दिया, ठीक है, तो वो जब 10 बोल्ट बनाए उसने एक जो 10 मिनट के अंदर एक बोल्ट बनाया,
ठीक है, तो 60 मिनट में वो कितने बोल्ट बना देगा, वो 6 बोल्ट बना देगा, ठीक है, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 6 बोल्ट बनाए उसने, तो पूरे दिन के अंदर कितने बनाए उसने, 24 आवर से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया उसका स्टैंडर्ड काम हो गया, इतना वो कर सकता है। अब इसमें से क्या है, थोड़ी सी अलाउंस होगी, 24 आवर्स काम नहीं कर पाएगा वो 20 आवर्स ही काम कर पाएंगे, 2 या 4 वर्कर मिलकर, क्योंकि उसमें क्या है, उसको बहुत सारी चीजों की अलाउंस चाहिए। 20 आवर्स भी नहीं, 8 घंटे काम करता है एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, 8 घंटे की जॉब होती है, ठीक है, 8 घंटे में से ज्यादा 10 घंटे की होती है किसी इंडस्ट्री के अंदर, 8 घंटे में से अगर उसको 1 घंटे का अलाउंस दिया जाए तो 7 घंटे हो गए, तो 42 बोर्ड जो है वो बना सकता है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो 42 बोर्ड अगर एक मशीन बना रही है, तो आपके पास अगर 50 मशीनें हैं तो 42 × 50 ये आपकी आउटपुट होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप यहां से कंट्रोल करोगे, ठीक है, वर्क मेजरमेंट से आपको पता चला कि आप इतने पीस बना सकते हो एक दिन में। अगर आप किसी कंपनी को जो है ऑफर, कोई कंपनी ऑफर दे रही है कि हमें इस तारीख तक इतने बोल्ट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको बस ये देखना होगा कि कितने दिन है आपके पास, टोटल बोल्ट जो है पर डे वो इतने बन रहे हैं एवरेज, ठीक है, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितने बोल्ट उनको चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने दिन में वो आपको, आप उसको बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको, आप उसको वो वाली डिलीवरी डेट दोगे, फिर आप कंट्रोल करोगे कि क्या हमारी इंडस्ट्री के अंदर इतने बोल्ट बन रहे हैं जितने बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहे तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। 50 मशीनों में से ऑब्वियस है कि किसी एक मशीन, 2 मशीन के ऊपर काम अच्छे से नहीं हो रहा होगा, उससे अगर आप सभी मशीन्स का डाटा लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो उसको आप इंसेंटिव दोगे, दूसरों को इंसेंटिव नहीं दोगे, जिसके कारण वो भी अच्छा काम करेंगे आगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निक कौन कौन सी यूज करते हैं जब आप वर्क मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो है एक टाइम स्टडी के ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है। टेक्निक्स जो कि आप यूज करते हैं फॉर वर्क मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टाइम स्टडी, ठीक है, टाइम स्टडी। जहां इसको बोलते हैं स्टॉप वॉच स्टडी, ठीक है, टाइम स्टडी को स्टॉप वॉच टेक्निक, जब स्टॉप वॉच स्टडी बोलते हैं, ठीक है, स्टॉप वॉच स्टडी, स्टॉप वॉच टेक्निक, ठीक है, पहली ये है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टॉप वॉच स्टडी या टाइम स्टडी, इसके ऊपर पक्का एक क्वेश्चन बनता है, हर बार पेपर में आता है, ठीक है। सेकंड कौन सा है, सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड डाटा, सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड डाटा, स्टैंडर्ड डाटा के साथ सिंथेसिस करना, स्टैंडर्ड डाटा को यूज करना फॉर द सेम वर्क, ठीक है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले से ही तय किए गए हैं, उनकी मेजरमेंट जो है स्टैंडर्डाइज कर रखी है कि इस काम को करने के लिए सीएनसी के ऊपर इतना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्क सैंपलिंग क्या होता है, मतलब कि एक बहुत सारे काम चल रहे हैं उनमें से एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपकी 50 मशीनें हैं, 50 मशीनों के ऊपर सेम काम चल रहा है, आप उनमें से एक मशीन के ऊपर एक वर्कर द्वारा 1 घंटे के अंदर किया गया काम नोट कर लोगे, तो आप उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आपको 1 घंटे के अंदर 50 मशीनों के द्वारा किया गया काम पता चल जाएगा, इसको बोलते हैं वर्क सैंपलिंग। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे, एनालिटिकल एस्टिमेशन जो है एस्टिमेट लगाना कि ये काम ऐसे होएगा, ठीक है, इतनी देर में हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेट होता है कि कुछ ना कुछ खुद से, जो कुछ ना कुछ डाटा से सोच के कि ये काम, इस काम को करने में इतना टाइम लग रहा है, इस काम को करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी,
पहले से जो मोशन टाइम स्टडी कर रखी है, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, पहले से ही स्टडी कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, वर्क मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क मेजरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले टाइम स्टडी कर सकते हो, एक पर्टिकुलर जो है टोटल एलिमेंट्स उस जॉब के कितने हैं और उसके ऊपर सारों के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, और उनके ऊपर स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप एज ए स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है टाइम स्टडी, मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को चुना, उसने कौन कौन से काम किए, उनको एलिमेंट्स में डिवाइड किया, उन सारे एलिमेंट्स का टाइम कैलकुलेट किया अलग अलग और उसको स्टैंडर्ड टाइम बना दिया। ठीक है, ये क्या है, टाइम स्टडी है, सिंपल जो है आप ही ऑब्जर्व करोगे, आप ही स्टैंडर्ड टाइम बनाओगे अपने पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। उसके बाद क्या है, सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड डाटा। अब कुछ जॉब्स के लिए आपको टाइम स्टडी करने की जरूरत नहीं, आप वर्क मेजरमेंट करना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड डाटा से चूज कर सकते हो। अगर आप कोई ड्रिलिंग का काम कर रहे हो सेम मशीन के ऊपर दूसरी कंपनी के द्वारा सेम काम का लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है, पहले से ही तय है, तो आप उसको यूज कर सकते हो फॉर योर वर्क। ठीक है, ताकि आपके द्वारा, आपके वर्कर्स के द्वारा किया गया काम जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए, ताकि वो सही से काम कर पाए, आपको खुद को स्टॉप बाय स्टडी करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट है आपके पास वर्क सैंपलिंग। वर्क सैंपलिंग क्या है कि अब सारे काम सारे उसके ऊपर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक सैंपल लोगे, उस सैंपल के ऊपर कितना प्रोसेस लग रहा है, टाइम लग रहा है, सारी चीजें लग रही है, उसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्क सैंपल कहलाएगा। उस सैंपल को आप यूज करोगे फॉर टाइम स्टडी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आप जो है उस सैंपल के ऊपर काम करके उसी से आप सारा स्टैंडर्डाइज्ड डाटा बना सकते हो। उसके बाद क्या है, एनालिटिकल एस्टिमेशन, एस्टिमेशन लगाना। एनालिटिकल मतलब कि कुछ ना कुछ आपने एनालिटिक स्टडी की है। ठीक है, आपने उसको ऐसे ही नहीं कि तुक्का मार दिया कि यहाँ पे इतना ही काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं कि ये काम तो आधे घंटे में हो जाएगा, बाद में पता चलता है कि वो दो घंटे नहीं हुआ, जब आप कहते हो कि दो घंटे में होगा और आधे घंटे में काम करके खत्म करते हैं आपका। ठीक है, तो ये क्या है, एस्टिमेशन, वो सिंपल एस्टिमेशन है, लेकिन एनालिटिकल एस्टिमेशन मतलब कि कुछ ना कुछ सोचा समझा एस्टिमेट। ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च किया और उसके बाद एस्टिमेशन लगाना। उसके बाद क्या है, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी। पहले से आपने कोई काम के ऊपर मोशन टाइम स्टडी यूज कर रखी है, उसको आप यूज कर रहे हो फॉर वर्क मेजरमेंट। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की वर्क मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम स्टडी की। टाइम स्टडी के ऊपर बात करने के बाद आप जो है स्टॉप बाय स्टडी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉप बाय स्टडी का प्रोसीजर पक्का आता है पेपर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम स्टडी क्या होता है, स्टॉप वॉच टेक्निक क्या होता है, इसके अंदर आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर वर्क को वर्कर को चूज करते हो, उस वर्कर को ट्रेन करते हो कि हाँ तो हम ये नया मेथड यूज कर रहे हैं, इसको तुमने करना है और देखना है कि अपने की कितने टाइम में ये होगा। ठीक है, उसके लिए अपने टाइम स्टडी कैलकुलेट किया कि पहले से जो आप टेक्निक यूज कर रहे थे उसके अंदर वो काम 10 मिनट में हो रहा था, 15 मिनट में हो रहा था, लेकिन जब मैं नया मेथड लेके आऊंगा तो उससे वो काम 8 मिनट में होगा, जो आपने थ्योरेटिकली कह दिया। अब आप उसको करके देखेंगे प्रैक्टिकली, तो करके देखने के लिए आप सारे वर्कर्स को उस काम पे के ऊपर नहीं लगा सकते, आप कुछ जो है पर्टिकुलर वर्कर्स चुनोगे जो काम अच्छे से कर पाए, उनको चूज करके उनके ऊपर वो टेक्निक यूज करोगे और उसको स्टडी करोगे कि क्या वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा जैसे आपने सोचा था। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपका 10 मिनट का काम है तो आप उसको 2-2 मिनट के छोटे शेड्यूल्स में डिवाइड कर लोगे। जैसे आप कोई जो है आपने बोल्ट सीएनसी के ऊपर लोड करना है, उसने उसके ऊपर थ्रेडिंग बनानी है, फिर वो बोल्ट जो है आपने उठाना है और उसको ले जाके स्टोर में रखना है। सबसे पहले आपने उसको लोड किया, ये एक एलिमेंट, मशीन ने उसके ऊपर काम किया वो सेकेंड एलिमेंट, आपने उसको अनलोड किया थर्ड एलिमेंट, और आपने उसको जाके स्टोर में रखा फोर्थ एलिमेंट। आप चार चीजें आ गई, इसके अंदर चारों के ऊपर कितना टाइम लगा, अलग अलग आप स्टॉप बाय से स्टडी करोगे, उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। उसके बाद जो है उसके ऊपर कितना कौन सी चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है उसको आप और ज्यादा स्टडी करके उसको और ज्यादा कम किया जा सकता है। तो टाइम स्टडी क्या है, ये एक स्टडी है, एक जो है टेक्निक है, जिससे क्या कर सकते हैं आप एक पर्टिकुलर उसका जो है काम को और कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
इट इज ए पार्ट ऑफ जो वर्क मेजरमेंट टेक्निक, इट इज ए वर्क वर्क मेजरमेंट टेक्निक यूज टू डिफाइन द टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू डू ए जॉब। एक जॉब को करने में एक पर्सन के द्वारा लगा टाइम, उसको जो है फाइनल करना, डिफाइन करना, उसको क्या कहते हैं, टाइम स्टडी कहते हैं। ठीक है, कि उस काम को करने के लिए वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, आपके पास टाइम स्टडी से जो है आपके पास जो डाटा आएगा उसको आप यूज करोगे। अब आपको टाइम स्टडी से सिर्फ वो डाटा मिलेगा जो उसको एक्चुअल में लग रहा है टाइम। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें और होती हैं जो आप वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो काम जो है वो अच्छे से कर सके। ठीक है, उनके ऊपर ओवरलोड ना हो जाए काम का। ठीक है, तो टाइम स्टडी से जो टाइम मिलेगा वो होगा नॉर्मल टाइम टेकन बाय ए पर्सन, जो कि एक काम के लिए स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम कौन सा होगा, जिसके अंदर उसको अलाउंस भी मिलेंगी। ठीक है, अब एक वर्कर है आपके पास, वो सारा दिन काम नहीं कर सकता, उसको थोड़ी सी रेस्ट चाहिए बीच में, थोड़ा सा उसको खाने पीने का अलाउंस चाहिए, थोड़ा सा वाटर के लिए, ड्रिंकिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, तो वो पानी पीने जा सकता है। उसके बाद क्या है, उसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ और भी अलाउंस चाहिए होते हैं। कुछ लोग जो है स्मोक करते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे जो है वर्कर्स, अब उनको पर्टिकुलर अपने अपने काम जो है उनके पर्सनल अलाउंसेस, ठीक है, तो वो भी उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो कंटिन्यू काम नहीं कर सकते कभी भी। तो ये सारी चीजें अगर आप उसको कैलकुलेट ही नहीं करोगे तो आपका स्टैंडर्ड जो टाइम है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फाइनल में जाकर जो रिजल्ट है वो उतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जितना आपको चाहिए उतना रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको सारे अलाउंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले ही। ठीक है, तो वो अलाउंसेस जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल टाइम से जो कि एक वर्कर ने लिया है। उसके बाद आप रेटिंग बनाते हैं पर्टिकुलर वर्कर की, कि ये वाला वर्कर इतना काम कर सकता है और ये वाला वर्कर इतना काम कर सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड बनाते हैं कि कौन सा वर्कर कितना काम करेगा एक जो है पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, अब जो है आपके पास अगर वर्क मेजरमेंट है तो आप डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी कि ये वाला वर्कर जो है वो अच्छा काम कर रहा है, ये वाला वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, या ये वाला मेथड जो है वो बेस्ट है। ठीक है, आपने नया मेथड दिया टाइम स्टडी की, उसके ऊपर आपको पता चला कि इससे टाइम जो है कम कंज्यूम हो रहा है, तो आप उसको स्टैंडर्ड बना दोगे उस वाले मेथड को। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम स्टडी से हुआ है। तो टाइम स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ दिस जो है वर्क मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे डिफरेंट टाइप की वर्क मेजरमेंट को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, जो आपने वर्क मेजरमेंट किया उसके लिए जो टेक्निक यूज की उसके द्वारा आपने क्या किया, अब आपके पास टाइम स्टडी आ गई और अब आप अच्छे से इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या वर्कर जो है वो उतना काम कर पा रहा है जितना करना चाहिए और जब वो उतना काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी टेक्निक है टाइम स्टडी, इससे आप ये चीज फाइनल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप जो है स्टॉप बाय स्टडी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।